क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 5 जो हम करेंगे, तो इसके अंदर देखिए वो हमें बता रहा है कि ए मास एम के जी, मास आपको गिवन है कितना है, एम के जी है, इज एक्टेड बाय अ कांस्टेंट फोर्स पी के जी वेट। तो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पी, यानी कि पी जिसे हम इम्प्रेस्ड फोर्स बोलते हैं, वो कितना है, पी के जी वेट है। और इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। जब भी केजी वेट वाली मेजरमेंट में हमें दिया हो कोई भी फोर्स, तो इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ग्रेविटी से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, हमारा न्यूटन में। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इम्प्रेस्ड फोर्स की हम बात कर रहे हैं, इम्प्रेस्ड फोर्स है ये हमारा, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि हम इसे पी से शो करते हैं। ये हमें दिया भी पी हुआ है लेकिन केजी वेट में दिया हुआ था, इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे इसलिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें ग्रेविटी से। अंडर विच इन टी सेकेंड, टाइम आपको दिया हुआ है टी सेकेंड्स, यानी टी आपको टी दिया हुआ है टी सेकेंड्स, इस इट मूव्स अ डिस्टेंस एक्स मीटर। ये मूव करता है डिस्टेंस कितना, एक्स मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमें दी हुई है एस, यानी कि एक्स मीटर दी हुई है, एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ वी मीटर पर सेकंड। और जो जो ये वेलोसिटी एक्वायर करता है, यानी कि जो वेलोसिटी होगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, देखिए यहां पर भी जीरो होगी और मीटर पर सेकंड में, और जो फाइनल वेलोसिटी जो हमें वी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी जिसे हम वी ही कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी जिसे हम वी से डिनोट करते हैं, वो हमें वी ही दी हुई है, वी मीटर पर सेकंड। तो इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना आपने कि, लेकिन हमें देखो मैंने वो इसलिए दोनों चीजें लिख दी, भी वी से डिनोट करते हैं लेकिन लिखनी भी वी ही है, तो फाइनल वेलोसिटी होती है ये हमारी, तो वो कितनी दी हुई है, वी मीटर पर सेकंड दी हुई है। तो हमें शो करके दिखाना है डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो हमारी इसके भी इक्वल होगी और इस क्वांटिटी के भी इक्वल होगी, आप ये देख सकते हैं। तो देखिए हमारे दो फार्मूले होते हैं, तो एक तो हमें सबसे पहले, तो आप इसको देखिए यहाँ से एक्सेलरेशन निकलेगी, पी आपको गिवन है, पी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। पी आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर न्यूटन की टर्म में, पी जी दिया हुआ है, और यहाँ पर मास आपको एम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारी एक्सेलरेशन जो आ जाएगी वो पी जी बाय एम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी आ जाएगी एक्सेलरेशन। ये एक तो आपने सबसे पहले ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए आपके पास जिसमें डिस्प्लेसमेंट यूज होती है, दो फार्मूले हैं, एक तो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ इंटू टी स्क्वेयर, एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकल सकती है। एक दूसरा हमारा फार्मूला होता है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2fs। तो दो जगह से डिस्प्लेसमेंट निकलेगी और हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। देखिए एस कितना है हमारा, एक्स है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, टाइम टी दिया हुआ है 1/2, एफ आपका पी जी बाई में एम आया है, ऊपर देख सकते हैं आप ये आया हुआ है, टी हमारा टी है तो ये टी की स्क्वेयर रहेगा, यानी यहां से मैं अगर एक्स निकाला जाए तो वो कितना आया है हमारा, पी जी टी स्क्वेयर बाई में एम आया है। तो यानी एक वैल्यू आपकी आ चुकी है एक्स की, और दूसरी वैल्यू के लिए देखिए फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वेयर ही दी हुई है, यू आपका जीरो है, टू इंटू एफ जो है आपका पी जी बाई एम आया है, एक्स हमें एस निकालना है, यानी एक्स है वो जो हमें निकालना है, तो यहाँ से वी स्क्वेयर जो आपका आया है वो कितना आया है, टू पी जी एक्स बाई एम आया है। हमें एक्स अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वेयर एम बाई में 2pg हो जाएगा हमारा। इस x इधर रखा है, इस क्वांटिटी को इधर लेकर गए हैं, ये हम कह सकते हैं। तो ये हमें x की दो वैल्यू प्रूव कर कर दिखानी थी कि x हमारा ये आ सकता है। तो देखिए हमने वो प्रूव करके दिखाया है, क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करने के लिए कहा गया था कि हमारा x जो आएगा वो जी टी स्क्वेयर पी बाई 2m आएगा, जी टी स्क्वेयर बाई 2p, जी टी स्क्वेयर देखिए अब जी टी स्क्वेयर पी बाई 2m आया है, ये 2 में लगाना भूल गया था, और दूसरा जो उसने हमें कहा था हमारा वी स्क्वेयर एम बाई 2gp आएगा, तो वी स्क्वेयर एम बाई 2gp या 2pg हमारा आया है। तो इट कम एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए, उसने हमें कहा है कि ए बुलेट वेटिंग
81 ग्राम, यानी कोई बुलेट है जिसका वेट हमें दिया हुआ है 81 ग्राम है, यानी हमें मास दिया हुआ है बुलेट का। एग्जाम्पल नंबर 6 हम कर रहे हैं, तो हमें मास दिया हुआ है बुलेट का 81 ग्राम है, और ये गिवन है आपको मूविंग एट द रेट ऑफ 200 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये जो बुलेट है वो मूव कर रही है 200 मीटर पर सेकंड के रेट से, यानी कि वेलोसिटी दी हुई है आपको, इनिशियल वेलोसिटी जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 200 सेंटीमीटर पर सेकंड दी हुई है। और ये जो बुलेट है वो फायर की गई है किस में, देखिए, इंटू अ लॉग ऑफ वुड इंटू विच इट पेनिट्रेट्स 10 सेंटीमीटर। तो उसने हमें कहा है कि जब ये बुलेट जो फायर की गई एक लॉग ऑफ वुड में, यानी कि कोई गट्ठा है लकड़ियों का, उसमें हमने फायर किया है बुलेट को, तो ये पेनिट्रेट कर जाती है लकड़ी के अंदर, वुड के अंदर, कितनी, 10 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्प्लेसमेंट का काम करेगी हमारी। तो 10 सेंटीमीटर हमें क्या दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है। तो अगर अब वो ये कह रहा है हमें, इफ द बुलेट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी वर फायर्ड इंटू अ सिमिलर पीस ऑफ वुड 5 सेंटीमीटर थिक विद व्हाट वेलोसिटी वुड इट अमर्ज, आल्सो फाइंड द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस सपोजिंग इट टू बी यूनिफॉर्म। तो वो हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर इसी बुलेट को हम फायर करते एक ऐसे वुड के अंदर जिसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो जो हमारी वेलोसिटी होती तो वो कितनी होती, तो हमारी बुलेट की जो वेलोसिटी होगी जो वो अक्वायर करेगी 5 सेंटीमीटर के वुड में पेनिट्रेट करने के बाद, उसके अंदर जाने के बाद, तो वो जो देखिए यहाँ पर, तो जो पहली कंडीशन उसने कही है, इस कंडीशन में तो वो रेस्ट में चली जाती है क्योंकि 10 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट किया, और उसके अंदर भी और भी जा सकती थी लेकिन वो 10 सेंटीमीटर तक ही पेनिट्रेट कर पाती है। अब उसने ये कहा कि अगर 5 सेंटीमीटर में पेनिट्रेट वो अगर करती, जिस वुड की थिकनेस 5 सेंटीमीटर है, तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब वो 5 सेंटीमीटर वुड के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, कर तो वो उससे ज्यादा भी सकती है, लेकिन वो जो पीस है वुड का वो 5 सेंटीमीटर ही थिक है, यानी कि वो एकदम रेस्ट में नहीं आएगी 5 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद भी। तो हमें ये बताना है कि जब वो 5 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर रही है, कर चुकी है, तो उस समय जो हमारी बुलेट की वेलोसिटी है वो कितनी है। अब देखिए यहाँ दो केस अराइज हो जाते हैं। पहला केस तो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा है ही है कि जिसमें हमें मास दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और डिस्प्लेसमेंट दी हुई है। तो देखिए जब ये पेनिट्रेट कर जाएगी 10 सेंटीमीटर, तो अब ये ये किस में चली जाती है, रेस्ट की पोजीशन में चली जाती है, केस 1 में। केस 1 की बात कर रहा हूं मैं, ये केस 1 में जो यहां तक बनेगा हमारा कि इट ये विच पेनिट्रेट्स 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि जब 81 ग्राम की कोई बुलेट हमने फायर की 200 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से, तो वो पेनिट्रेट कर पाती है 10 सेंटीमीटर एक लॉग ऑफ वुड में, और उसके बाद वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली इसका मीन्स ये हुआ कि वो रेस्ट की पोजिशन में चली जाती है, यानी कि वहां जाकर रुक जाती है, यानी कि वहां पर वेलोसिटी जो फाइनल होगी वो कितनी होगी, हमारी 0 होगी। तो अब यहां पर देखिए, अब हम एक्सेलरेशन की हर क्वेश्चन के अंदर जरूरत पड़ती है, तो अब हमें ये फार्मूला पता है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2fs के इक्वल होता है। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, 0 का स्क्वेयर यहाँ पे 200 का स्क्वेयर आप करेंगे, और इक्वल टू 2 × f आपको दिया हुआ है, f आपको निकालना है, s हमें 10 दिया हुआ है, तो ये f जो आपका आएगा ये कितना आएगा, 40,000 अपॉन में 20, यानी कि 2000 negative, यानी कि एक्सेलरेशन जो होगी वो रिटार्डेशन हो रही है हमारी, क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेशन, क्योंकि हमारी वेलोसिटी जो है, सॉरी, एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रही है, नेगेटिव साइन दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारी क्या हुई है, रिटार्डेशन हुई है। तो रिटार्डेशन कितनी हुई है हमारी, 2000 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर हो रही है, सेंटीमीटर सेकंड में चल रहा है क्वेश्चन, तो जिस भी यूनिट में चल रहा है उस यूनिट में हमें काम करना होता है, आपने ये ध्यान देना है यहाँ पर। उसके बाद अब देखिए, अगर मैं केस सेकंड की बात करूं, तो वो ये पूछ रहा है अब कि अब यहाँ पर जब सेम जो वेलोसिटी से हमने क्या किया है, फायर किया है बुलेट को, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी जो है वो
200 सेंटीमीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो, हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तब तब हमें, और एफ हमारी आ चुकी है रिटार्डेशन जो होती है वो कितनी होती है, -2000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रही है। तो अब इस केस में यहाँ पर देखिए आप, तो फार्मूला वही लगेगा हमारा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2fs। अब वी हमें निकालना है यहाँ पर, यहाँ पर रेस्ट में नहीं जा रही वो, क्योंकि तो लेकिन हम ये निकाल चुके, रेस्ट में जब जब जाती है तब वो जो हमारी एक्सेलरेशन जो होती है वो कितनी होती है, 2000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है रिटार्डेशन की फॉर्म में। तो लेकिन अब ये 5 सेंटीमीटर तक तो पेनिट्रेट किया इसने, यानी कि ये मूव कर रही है रिटार्डेशन की तरफ, तो यानी कि घटेगी तो वेलोसिटी, लेकिन अब कितनी होगी उस टाइम वेलोसिटी जब ये 5 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करेगी, तो वो हम निकालना चाह रहे हैं। ये हमारी 200 का स्क्वायर ही आएगा, 2 इंटू एफ आपको देखिए -2000 था, एस आपका आप कितना है, 5 है, तो यहाँ पर वी स्क्वायर जो आपका आएगा, यहाँ से ये क्वांटिटी इधर जाएगी, तो 40000 माइनस, इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2 × 4 = 20000, यानी कि 20000 आपकी वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा फाइनल वेलोसिटी का, यानी वी जो आपकी आएगी वो आपकी बन जाएगी कितनी, 20000 का स्क्वायर रूट, मींस इसे आप लिख सकते हैं 2 × 10000। और आपको पता है √2 तो एसटीज रहेगा, और 10000 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 100 होता है, यानी कि 100√2 सेंटीमीटर पर सेकंड जो होगी हमारी वेलोसिटी होगी इस केस में। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और यही हमें यहाँ पर निकालना था कि ये वेलोसिटी कितनी होगी हमारी जब वो एक वुड के अंदर पेनिट्रेट करेगी जिसकी थिकनेस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। उसके साथ में उसने एक चीज और हमें पूछी है कि आप ये भी बताइए, आल्सो फाइंड द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्टिंग इट टू बी यूनिफॉर्म। तो जो हमारा जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो फोर्स भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। फोर्स जो होता है वो किसके किसके इक्वल होता है हमारा, देखिए फोर्स जो आपका इक्वल होता है किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, एम इनटू एफ के। और जो आपका मास दिया हुआ था बुलेट का वो 81 ग्राम दिया हुआ था, और एक्सेलरेशन जो आपकी थी वो 2000 दी हुई थी एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे क्योंकि फोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो सिर्फ ये हमें पता है कि नेगेटिव साइन यहाँ पर ये शो कर रहा था कि जो एक्सेलरेशन हुई थी वो रिटार्डेशन की फॉर्म में थी, यानी कि कम होती जा रही थी। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16 162 16 162 000। ये आपका डाइंस में आएगा क्योंकि जब भी सेंटीमीटर पर सेकंड में दी हुई हो हमें चीजें, तो हमारा जो फोर्स होता है वो डाइंस में आता है, और डाइंस ये हमारा आंसर होगा। इसको आगे भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, 9.8 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये ग्राम वेट में आ जाएगा, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हम डाइंस में ही इसको रख सकते हैं। तो ये हमारा फोर्स आ चुका है और ये हमारी वेलोसिटी आ चुकी है जो हमें निकालनी थी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सेवंथ एग्जांपल, इसमें हमें दिया है ए ट्रेन व्हिच मास इज 20 टन्स। तो मास हमें दिया हुआ है ट्रेन का 20 टन्स है। जब भी टन्स में दिया होता है मास, इसे LBS सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है हमें, और इसके लिए हम इसे 2240 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारा LBS वेट में। तो अब ये देखिए हमें ये दिया हुआ है, और टन्स मूव एट द रेट ऑफ 60 mph, और जो ये मूव कर रही है जो इसकी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है वो देखिए कितनी है, 60 mph। ये माइल पर आवर में दी हुई है, जब भी माइल पर आवर में दी होती है हमें वेलोसिटी कोई भी, चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो, तो इसे 22/15 से मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे कि ये हमारी जो वेलोसिटी होती है
तो जो हमारी भी जब भी माइल पर आवर में हमें दिया होता है तो हमें क्या करना होता है, 22/15 से मल्टीप्लाई करना होता है इस क्वांटिटी को, जिससे कि ये जो भी क्वांटिटी आएगी ये फीट पर सेकंड में आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी मास टन में दिया होगा तो उसे एलबीए सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे थ्रू आउट दी बुक, और ऐसे ही इनिशियल वेलोसिटी जब भी हमें, इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी हमें जो माइल पर आवर में दी होगी उसे हम फीट पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 22/15 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे वो फीट पर सेकंड में आ जाएगी। आफ्टर स्टीम इज सर्ट ऑफ इट इज ब्रॉट टू रेस्ट बाई ब्रेक्स इन 50 500 यार्ड्स। वो कह रहा है जब इसकी ट्रेन की स्टीम शट ऑफ कर दी जाती है यानी बंद कर दी जाती है तो इसको रेस्ट में आएगी ये हमारी जो ट्रेन है, यानी कि ये रुकेगी, तो यानी 0 फीट पर सेकंड हो जाएगी इसकी वेलोसिटी जब रुकेगी तो। लेकिन कब रुकेगी, 50 यार्ड्स के बाद, ये डिस्टेंस कवर करने के बाद ये रुकेगी 50 यार्ड्स का। तो यानी एस डिस्प्लेसमेंट आपको दी हुई है कितनी है हमारी, 50 यार्ड्स है, 500 यार्ड्स है। इसको भी फीट में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है क्योंकि 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, तो ये आपका आ गया 1500 फीट। वो कह रहा है फाइंड द रिटार्डिंग फोर्स अज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म। आपको यहाँ पर फोर्स निकालना है, फोर्स आपको निकाल कर दिखाना है। फोर्स निकालने के लिए देखिए, अब सबसे पहले हमें एक्सिलरेशन निकालनी होगी, फिर यहाँ पर फिर दोबारा देखिए अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2fs। तो यहाँ से हमारी एक्सेलरेशन आ जाएगी, तो वी स्क्वेयर 0 का स्क्वेयर, यू स्क्वेयर अगर हम करेंगे तो 88 का स्क्वेयर, 2 × f हमें निकालना है, s आपको 1500 दिया हुआ है, तो यानी हमारी यहाँ से एक्सेलरेशन जो आएगी वो -88 × 88 बाय में 2 × 1500 आएगी। यानी कि इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 4 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। अगर अब मैं इसको और भी कट कर सकता हूँ, देखिए, तो अगर मैं इसको कट करूँगा तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसे कट करेंगे, आप कट खुद कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये हमारी 968/375 विद नेगेटिव साइन फीट पर सेकंड स्क्वेयर आपकी जो एक्सेलरेशन आएगी, यानी कि एक्सेलरेशन जो है हमारी वो रिटार्डेशन की फॉर्म में आई है, यहाँ से ये हमें पता चलता है। तो अब हमें यहाँ पर इम्प्रेस्ड फोर्स निकालना है, तो इम्प्रेस्ड फोर्स क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास आपका कितना था, 20 × 2240 था स्टार्टिंग में ही, देखिए मैंने ये लिखा था मास सबसे पहली लाइन में 20 टन दिया था, तो इसको एलबीएस सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है तो 2240 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इंटू में एक्सेलरेशन आपकी कितनी आई है फीट पर सेकंड स्क्वायर में, 968, वाई में 375 आई है। नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि उस सिर्फ वो ये चीज शो कर रहा है कि यहाँ पर हमारी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव सेंस में आई है, यानी कि रिटार्डेशन हो रही है हमारी एक्सेलरेशन की फॉर्म में। तो यहाँ पर तो अगर हम इन सबको सोल्व करेंगे तो आपका जो भी आएगा, ये जो भी सोल्व करके आएगा, ए जो भी आएगा आप खुद देख लेंगे, तो वो हमारा पाउंडल्स में आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी जो हमारा ये एलबीएस में होगा मास और जो ये फीट पर सेकंड स्क्वायर में हो एक्सेलरेशन, तो जो हमारा फोर्स आता है वो पाउंडल्स में आता है। पाउंडल्स को आगे बुक में और भी कन्वर्ट किया गया है, एलबीएस से फिर टन बनाए गए हैं, हालांकि हमें कोई भी ऐसी छूट नहीं है, हम यहीं पर क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जितना भी सोल्व करके आएगा वो पाउंडल्स में हमारा आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 8 अगर हम करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए हमें ये दिया हुआ है, एन इंजन एंड ट्रेन वेट 210 टन्स। ये हमें ट्रेन और इंजन को मिलाकर जो वेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 210 टन्स है। इसे भी एलबीएस में कन्वर्ट करने के लिए हम 2240 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी मैं लिखूंगा तो आप ध्यान रखेंगे, एंड इंजन एक्सर्ट्स अ पुल ऑफ 31/2 टन। तो जो इंजन एक्सर्ट कर रहा है
पुल जो यानी कि इंजन है हमारा, जो वो पावर लगा रहा है अपना, यानी जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है इंजन, वो अकेला कितना कर रहा है, 3 1/2 टन कर रहा है। तो द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ ट्रेन इज 14 LBS वेट पर टन है, LBS वेट पर टन है। देखिए तो यहाँ पर 14 LBS वेट पर टन है, वेट पर टन यानी एक टन में 14 LBS वेट है, तो हमें पूरे का लेना होता है तो वो हमारा रेजिस्टेंस का फोर्स आएगा। तो रेजिस्टेंस का फोर्स आने के बाद उसने कहा है फाइंड द टाइम ट्रेन विल टेक टू अक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 30 माइल पर आवर फ्रॉम रेस्ट। तो हमें ये बताना है कि जो ट्रेन रेस्ट की पोजीशन में थी उसको 30 माइल पर आवर की वेलोसिटी ओबटेन करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें बताना है। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको मास दिया हुआ है ट्रेन का, ट्रेन और इंजन का। तो आप यहाँ पर देखिए, हम लिखेंगे, हमें मास जो गिवन है वो आपको गिवन है 210 टन्स। टन्स को LBS में कन्वर्ट करेंगे तो 210 × 2240 आपका आ जाएगा, LBS वेट में आ जाएगा। और LBS वेट को यहाँ पर हमें पाउंडल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और पाउंडल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। 32 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा मास जो आएगा वो किस में आ जाएगा, पाउंडल्स में आ जाएगा। यहाँ पर हम पाउंडल्स में ही सारा काम करेंगे। उसके बाद देखिए, मास देने के बाद आपको ये दिया हुआ था, जो फोर्स है एग्जर्ट हो रहा है किससे, फोर्स एग्जर्टेड बाय दी इंजन ओनली, जो इंजन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना दिया हुआ था आपको, 3 1/2 टन्स दिया हुआ था, ये दिया हुआ है आपको, देख सकते हैं आप। ये देखिए दूसरी चीज, पहली चीज मैंने ये ली, दूसरी ये दिया हुआ है हमें। तो 3 1/2 टन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी 7/2 टन हुआ। इसको LBS में कन्वर्ट करने के लिए 2240 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और पाउंडल्स में कन्वर्ट करने के लिए 32 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अगर जब हम इसको सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 216 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो मैं यहाँ लिखूंगा, अभी अभी लिख दूंगा, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए, जो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है, एक फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जो आपको गिवन है वो देखिए कितना है। फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस आपको गिवन था 14 LBS वेट पर टन, तो यानी कि पर टन का 14 LBS जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ मोशन है, यानी कि फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस काम करता है पर टन के ऊपर कितना, 14 LBS वेट करता है। तो लेकिन हमारे पास कितना है टोटल वेट, ट्रेन और इंजन का 210 है, तो यानी इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल जो है रेजिस्टेंस फोर्स आ जाएगा। तो टोटल फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, 210 × 14 LBS वेट आ जाएगा। लेकिन इसे भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पाउंडल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाउंडल्स में। यानी कि आपको ध्यान रखना है, टन से हमें LBS सिस्टम में जाने के लिए 2240 से मल्टीप्लाई करना होता है, और फिर LBS से पाउंडल्स में जाने के लिए 32 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये सब चीज़ें हमारी यहाँ से निकल कर अभी तक आई हैं। तो ये हमारा देखिए 7 × 2240 × 16। अब देखिए, हमें यहाँ पर इफेक्टिव फोर्स निकालना है। जब भी फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस अलग हो तो इफेक्टिव फोर्स हमें निकालना होता है। तो उसके लिए क्या होता है, जो टोटल फोर्स है उसमें से हमें फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस को माइनस करना होता है। तो फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इंजन माइनस फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ से देखिए, फोर्स एग्जर्टेड बाय इंजन कितना है, 7 × 2240 × 16 है, ये अभी ऊपर था। और फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस आपका कितना है, 210 × 14 × 32 है। तो ये हमारा क्या है, 210 × 14 × 32। तो ये हमारा क्या है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है। इन दोनों को माइनस करके हमारा क्या आएगा, इफेक्टिव फोर्स आएगा। तो हम निकाल लेते हैं, निकाल कर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि हमारा ये कितना बनता है।
तो हमारा जो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर कर आता है, मैं डायरेक्ट लिख दिया है कि ये इतना पाउंडल्स हमारा आएगा। अब देखिए, अब हमें पता है कि जो इम्प्रेस्ड फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। जहाँ पर इम्प्रेस्ड फोर्स जो हमारा आया है वो हम निकाल चुके हैं, इतना आया है उसकी वैल्यू हमने पुट की यहाँ पर, और मास हमें गिवन था, देखिए ये टन्स को जो हमने पाउंडल्स में कन्वर्ट कर लिया था, और इनटू में एफ हमें निकालना है। तो एफ की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे इसको सिंपलीफाई करके, तो आपकी आ जाएगी 1/3 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू आई है एक्सेलरेशन की। अब हमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था कि हमें टाइम निकालना है कि रेस्ट की पोजिशन से कितनी वेलोसिटी हमें लेनी है। हमें वेलोसिटी लेनी है 30 माइल पर आवर की वेलोसिटी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए हमें एक्सेलरेशन की जरूरत थी जो हमने निकाल ली। तो मैं इसे यहीं आपको कर कर दिखा देता हूँ, छोटे से स्पेस में ही यहीं कंप्लीट करूँगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी यू जो है वो 0 दी हुई है। जो हमें वेलोसिटी चाहिए जो अक्वायर करे वो उस जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है 30 माइल पर आवर दी हुई है। और ये मैंने आपको बताया था कि माइल पर आवर को फीट पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 22/15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि आपकी आ जाएगी 44 फीट पर सेकंड। और एक्सेलरेशन आपने अभी निकाली है, जो आपकी एक्सेलरेशन आई है वो कितनी आई है आपकी 1/3 फीट पर सेकंड स्क्वायर आई है। अब हम जानते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, यू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू में टाइम। अगर आप यहाँ पर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, एफ की वैल्यू हम 1/3 पुट करेंगे, इनटू में टाइम आएगा, तो यहाँ पे टाइम की जो वैल्यू आएगी 44 इंटू में 3, यानी कि ये आपकी आ जाती है 1/32 सेकेंड, यानी कि 1/32 सेकेंड के लगेंगे ये हमें इनिशियल वेलोसिटी से, यानी रेस्ट की पोजीशन से 30 माइल पर आवर की वेलोसिटी को अटेन करने में। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसके जैसा ही है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, वो आप खुद कर सकते करेंगे। उसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और है, जो भी जो एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, तो उसको वो क्वेश्चन भी बिल्कुल उसके जैसा ही है। तो मैं दोनों क्वेश्चंस आपको करवाने जा रहा हूँ, तो देखिए हम कैसे करेंगे उन क्वेश्चन। 10th एग्जाम्पल देखिए, इसमें हमें गिवन है ए लोड डब्ल्यू इज टू बी रेज्ड बाय अ रोप फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट थ्रू ए हाइट एच एंड द ग्रेटर टेंशन विच द रोप कैन सेफली बियर इज एन डब्ल्यू। शो दैट द टाइम इन विच द असेंट कैन बी मेड इज दिस। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि कोई लोड है डब्ल्यू, यानी कि मास है कोई डब्ल्यू, यानी कि वो रेस्ट की पोजीशन से, सपोज करो वो इस पोजीशन पर है, ये वेट है हमारा, मास है हमारा W, और ये रेस्ट की पोजीशन से उठाया जाता है ऊपर ले जाकर, फिर दोबारा से रेस्ट की पोजीशन पर सपोज करो वो यहाँ पर रख दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर वेलोसिटी ग्राफ बनाया जाता है, तो ये सपोज करो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर हमने ये जो लोड है ये सपोज करो ये हमने उठाया है रोप से, और ये यहाँ पर जो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है वो वी है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी ग्राफ बनता है हमारा, और फिर इसे हमने यहाँ पर वापिस रख दिया है, यानी कि उठा कर ले गए और फिर मैक्सिमम हाइट इस तक गया और फिर यहाँ पर रेस्ट की पोजीशन में ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं मान लेता हूँ ये हमारा टाइम T1 है यहाँ से यहाँ तक का, इसे ओ पॉइंट मानते हैं अगर आप, इसे ए और इसे बी, और इस ये टाइम मान लेते हैं, यहां से यहां तक का टाइम हमारा T2 है। तो देखिए आप, तो अब हमें क्या गिवन है, अब हमें गिवन है जो लोड गिवन है, जो वेट होगा यहाँ पर, वेट वेट होगा हमारा वो कितना होगा, वेट जो होता है वो मास इंटू ग्रेविटी होता है, मास W है और ग्रेविटी कितनी होती है जी।
अब हम यहाँ सपोज करेंगे जो टेंशन है हमारी, अब आप यहाँ ये देखें, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगी और यहाँ पर रिटार्डेशन होगी। यहाँ पर तो एक्सेलरेशन होगी इस वाले पोर्शन में, और इस वाले पोर्शन में क्या होती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी क्योंकि घटेगी। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो यानी कि हमें वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो यानी एक्सेलरेशन होगी हमारी। फिर हम क्या होंगे, मूविंग पोजीशन से रेस्ट की पोजीशन में आएंगे, तो इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो रिटार्डेशन होगी। तो इस पार्ट में हम मान लेते हैं हमारी जो रोप में टेंशन है वो कितनी है, टी है। तो जो टेंशन है वो हमें गिवन है, देखिए, जो सेफली बियर कर सकती है रोप वो दी हुई है NW, और साथ में हम यहाँ पर लगेगी हमारी ग्रेविटी। तो टेंशन हमारी हो जाएगी NWG। अब आप यहाँ पर देखिए, जो हमें पता है कि जो हमारा इफेक्टिव फोर्स जो काम कर रहा है वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। और इफेक्टिव फोर्स किसके इक्वल होगा, टेंशन में से वेट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो टेंशन जो आपकी, टेंशन माइनस वेट, टेंशन यानी कि टी माइनस डब वेट, यानी कि टेंशन माइनस वेट जो होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो आप देखिए टेंशन कितनी है हमारी, NWG है, माइनस वेट कितना है, WG है, और यहाँ पर मास W है और F F है, तो W कॉमन है क्योंकि, तो ये आपका आ जाएगा NG-G। अगर आप देखें तो दिस विल बी इक्वल टू F, W मैंने कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर G अगर हम कॉमन लेते हैं तो N-1 G जो है वो F के इक्वल आ जाएगा आपका। तो ये हमारा, यहाँ से हमने एक्सेलरेशन निकाली है कि हमारी एक्सेलरेशन कितनी होगी। अब एक्सेलरेशन के बाद आप देखिए, हम ये यहाँ पर आप देखिए, अगर इस ट्रेंगल के बारे में अगर हम बात करें, इसे हम पॉइंट में कह देता हूँ, इसे कह देता हूँ मैं, ये क्या है हमारा सी पॉइंट है। अगर तो देखिए, अभी इन ट्रेंगल OCB, अगर मैं F कहूँ तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो F किसके इक्वल होगी, V/T1 के। तो अब यहाँ पर जो हमारी F है वो देखिए आप कितनी आई है, N-1 G आई है, और दिस विल बी इक्वल टू V/T1 होगी, यानी T1 जो आपका होगा वो किसके इक्वल होगा, V/N1 × G के इक्वल होगा। ये देखिए आपका इतना होगा। अब देखिए आप इसी तरीके से, अगर मैं दोबारा से निकालूं एफ दूसरे पोर्शन की, वहां पर रिटार्डेशन हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वहां पर टी टू टाइम के लिए। अब इस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, सेकंड पोर्शन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमारा टी टू होगा टाइम, वो कितना होगा, टी टू अगर निकालना चाहे तो V/में एफ होगा, V/में F होगा हमारा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारी रिटार्डेशन यानी कि जो V/T1 होगी वो क्या होगी, ग्रेविटी की फॉर्म में होगी, सॉरी। तो यहाँ पर हमारा जो जी, यहाँ पर जो ग्रेविटी की फॉर्म में होगी ना, क्योंकि हमारी, तो यहाँ पर F की बजाय कौन ले लेगा, यहाँ पर F का प्लेस कौन लेगा, G लेगा, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा V/G। तो आपकी एक इक्वेशन ये आई है, फर्स्ट इक्वेशन इसे कहेंगे हम, सेकंड इक्वेशन इसे कहेंगे T1 को, और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, T2 जो आई है V/G आई है। अब देखिए हमारा, उसने कहा है कि जो टोटल डिस्टेंस मूव होता है वो h होता है। तो h जो है, सिंस जो है हमारा h इज दी टोटल डिस्टेंस मूव्ड, सो एच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दी एरिया OCB, यानी कि एच जो है वो किससे रिप्रेजेंट होगा, इस ट्रेंगल के एरिया से। अब इस ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, देखो 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस कितना है T1 + 2 2, हाइट कितनी है V है। तो अब यहां पर देखिए हमारा, यानी एच जो है वो किस क्वांटिटी के इक्वल होगा, 1/2 बेस T1 + T2 इंटू में हाइट V के इक्वल होगा आपका। अगर मैं यहाँ से V की वैल्यू निकालना चाहूँ, मीन्स दिस विल इम्प्लाई V इज इक्वल टू 2H/में
T1 प्लस T2 आपका आएगा, V की जो हमारी वैल्यू आएगी 2H बाय T1 प्लस T2। अब देखिए T1 प्लस T2, अब मैं निकालना चाह रहा हूँ T1 प्लस T2, क्योंकि मुझे टाइम निकालना है। टाइम किससे बनेगा? T1 और T2 को, यही टोटल टाइम लग रहा है ना, यहाँ से रेस्ट की पोजीशन में आने पे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम T1 है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम T2 है, यानी ये वाला एरिया कवर करने का टाइम T1, ये वाला एरिया कवर करने का टाइम T2, तो टोटल टाइम जो लगा वो T1 प्लस T2 लगा है। तो मैं T1 प्लस T2 अब निकालने जा रहा हूँ। देखिए उसके लिए T1 की वैल्यू आपने इक्वेशन 2 में निकाली है, इक्वेशन 3 में T2 की वैल्यू निकाली है। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 4, जो आपने V की वैल्यू निकाली है। अब देखिए, अब यहाँ पर T1 प्लस T2 अगर मैं करता हूँ, यहीं पर T1 प्लस T2 दिस विल बी इक्वल टू, T1 की वैल्यू आपकी आई थी इक्वेशन नंबर 2 में V बाय एन माइनस 1 इंटू जी, और T2 की वैल्यू आई थी आपकी V बाय में G। अब यहाँ पर देखिए आपका V बाय G जो है वो कॉमन आ रहा है, और अंदर जो आपका बचता है 1 बाय एन माइनस 1 और प्लस में 1 बचेगा। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका V बाय G, और यहाँ पर देखिए एलसीएम मैं लूंगा एन माइनस 1, तो यहाँ आएगा 1 प्लस एन माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसल, यानी कि ये आपका आ जाता है वी एन बाय जी इंटू एन माइनस 1 आ जाता है। अब आप ये देखिए, ये आपकी अब वी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 4 में, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो इसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर T1 प्लस T2 जो हमारा देखिए कितना आया था, वो आपका आया था जो T1 प्लस T2 की हमारी वैल्यू आई थी VN ओवर में N माइनस 1 G आई थी। V की जो वैल्यू आपकी ऑलरेडी जो आ चुकी है वो कितनी आई थी, 2H बाय में T1 प्लस T2 आई थी। अब यहाँ पर हमने V की वैल्यू पुट किया और ये n माइनस 1 इंटू जी आ जाएगा। अब देखिए ये T1 प्लस T2, ये भी T1 प्लस T2 है, इस T1 प्लस T2 को मैं इधर लेकर जाऊंगा, तो ये हमारा T1 प्लस T2 की होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 2nh बाय में n माइनस 1 इंटू में जी। तो यानी T1 प्लस T2 जो आपका आएगा, जो टोटल टाइम एक वेट को, जो कि W जिसका मास W था, उसको रेस्ट की पोजीशन से दोबारा रेस्ट की पोजीशन पर लेके जाने में रोप की हेल्प से, जिसकी टेंशन हमें गिवन थी वो n टाइम्स थी, किसके मास क्या m टाइम्स दी हुई थी, वो कितना लगेगा, तो 2nh ओवर में n माइनस 1 g के स्क्वायर रूट के इक्वल होगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अब इसी के बेस पर देखिए, आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज होगा और बाकी सारा क्वेश्चन एज इज होगा और आपका आंसर आ जाएगा। मैं वो भी आपको बता रहा हूँ इसी के अंदर कि कहाँ हमें चेंज करना है। देखिए ये हमें गिवन है, प्रूव दैट द शॉर्टेस्ट टाइम फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट इन विच आ स्टडी लोड पी टन्स, जो लोड हमें दिया हुआ है पी टन दिया हुआ है, कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ डब्ल्यू टन्स थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस एच फिट इज दिस सेकेंड, यानी कितने सेकेंड होगा। यानी यहाँ पर भी हमें सेम चीज प्रूव करनी है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन बदला है। देखिए वहां पर रोप की हेल्प से एक वेट उठाया जा रहा था, उसके थ्रू हम रेस्ट से रेस्ट की पोजीशन पर लेकर गए थे, लेकिन यहाँ पर एक वेट दूसरे वेट को उठा रहा है। यानी कि देखो, जो वेट उठा रहा है वो बड़ा होगा और जिस वेट को उठाया जा रहा है वो छोटा होगा। तो उसमें कहा है देखिए, ए लोड पी टन्स कैन लिफ्ट अ वेट डब्ल्यू टन, यानी कि पी टन वाला जो लोड है वो एक मास को उठा रहा है जिसका वेट कितना है, डब्ल्यू टन है। यानी कि पी टन बड़ा वेट है और जो डब्ल्यू टन है वो छोटा वेट है। तो यहाँ पर देखिए इतना चेंज होगा थोड़ा सा क्वेश्चन में हमारा। यहाँ पर यहाँ पर आ जाइए आप सीधा ही, इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल था यहाँ पर, हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे,
अब यहाँ पर देखिए मास, यहाँ पर हमने यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमें टेंशन और वेट को माइनस किया था, लेकिन यहाँ पर हम किसको माइनस करेंगे, पी माइनस डब्ल्यू, यानी कि बड़े वेट में से छोटा वेट माइनस किया जाएगा, यानी कि पी माइनस डब्ल्यू जो है वो माइनस होगा। और यहाँ पर ये टन्स में दिया हुआ है, इसको पाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले एलबीएस में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए 2240 लगेगा, और उसके बाद में हमें क्या लगाना पड़ेगा, जी लगाना पड़ेगा, ग्रेविटी लगानी पड़ेगी। उस इसी तरीके से यहाँ पर देखिए मास जो है हमें फिर दोबारा से मास कितना है, डब्ल्यू है, क्योंकि W, और इसको 2240 से कन्वर्ट करेंगे एलबीएस सिस्टम में लाने के लिए, और इनटू में एफ, ये वाला यानी मास इनटू एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला अप्लाई किया है इस पोर्शन में जाकर। अब यहाँ से देखिए 2240 से 2240 कैंसिल हो रहा है, यानी आपका जो एफ आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा पी माइनस डब्ल्यू जी और बाई में W, इतना हमारा जो है वो F आ जाएगा। अब बाकी सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बिल्कुल सेम चलेगा, ये इक्वेशन सेम रहेगी यहाँ से, क्योंकि अब F की वैल्यू बदलोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी है T1 की वैल्यू बदल जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है, इस F के अकॉर्डिंग, तो ऑटोमेटिकली जो आंसर हमें चाहिए, जो प्रूव करना है, वो हमारा आ जाएगा। तो मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, आप खुद कर सकते हैं अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। मेन इसमें यही जो है ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, जो बदलेगा इसकी वजह से ऑटोमेटिकली चीजें अपने आप बदलती जाएगी स्टेप वाइज। T1 की वैल्यू जो इस स्टेप में आती है, क्योंकि F की वैल्यू बदल गई है, तो T1 की वैल्यू ऑटोमेटिकली बदल जाएगी, T2 की वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पर देखिए अब फिर जब हम V निकालते हैं वो भी सेम रहेगा, लेकिन जब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे वो बदल जाएगा, और V की वैल्यू पुट करने से जो हमें चाहिए वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों कोई भी एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। I'm gonna be a little bit.